अपने मन में आप सीमा निश्चित न करें दोस्तों, अपनी सीमा निश्चित न करें। लोग हमेशा कहते हैं हर चीज के लिए कोई ना कोई सीमा तो होगी। नहीं, मैं सहमत नहीं। प्रभु के अनुग्रह के लिए कोई सीमा नहीं है, प्रभु की आशीष के लिए कोई सीमा नहीं है, प्रभु मुझे कहां ले जा सकता है इसके लिए कोई सीमा नहीं है, प्रभु मेरे द्वारा क्या कर सकता है उसके लिए कोई सीमा नहीं। कोई सीमा नहीं है कि यीशु मेरे द्वारा क्या कर सकता है इस संसार में। यदि यीशु मुझ में जीता है और मैं अपना जीवन उसमें जीता हूँ तो कोई सीमा नहीं है जो यीशु कर सकता है आपके और मेरे द्वारा। By His word, death cannot swallow me. By His word, I have prosperity. By His word, sickness can't dwell in me. By His word, by His word, let's sing it. By His word, I have no fear in me. By His word, death cannot swallow me. By His word, I have prosperity. भजन 78 वचन 10 से आगे पढ़ते हैं। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उसकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उसके बड़े कामों को और उसके आश्चर्यकर्म को भुला दिया। उसके काम भूल गए, ये कैसे है? हाँ, उसकी वाचा पूरी नहीं की, उसकी व्यवस्था में चलने से इनकार किया, उसके कामों को भुला दिया और उसके आश्चर्यकर्म जो उसने दिखाई थे।
उसने तो उनके बाप दादाओं के सम्मुख अद्भुत कर्म किए थे। मिस्र देश के सोअन के मैदान में उसने समुन्दर को दो भाग करके उन्हें पार कर दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। उसने दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। वो जंगल में चट्टाने फाड़कर उनको मानो गहरे जलाशयों से मनमाना जल पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और उसने जल को मानो उसने जल को नदियों का सा बहाया, तो भी वे उसके विरुद्ध में पाप करते हुए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांग कर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? देखिए, हद पार कर रहे हैं, अविश्वास में हद पार कर देते हैं। जिन लोगों में अविश्वास होता है वो अजीब सी बातें करते हैं। ठीक है, उसने पानी हमें दिया, क्या वो खाना भी दे सकता है? ठीक है, उसने हमें रोटी दी, क्या वो हमें मांस भी दे सकता है? इस तरह से बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, उसने चट्टान पर मारकर जल बहा दिया, वचन 20 ये कहता है, और धाराएं उमड़ चली, परंतु क्या वो रोटी भी दे सकता है? क्या वो अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? देखिए, अविश्वास के कारण वो सब कुछ कह रहे थे। वो सच में भूल गए थे कि परमेश्वर ने क्या किया है, और अब वो परमेश्वर के बारे में बुरा कह रहे थे। देखिए वचन 21, यहोवा सुनकर क्रोध से भर गया, तब याकूब के बीच आग लगी और इसराइल के विरुद्ध क्रोध भड़ का। ये कहता है इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, न उद्धार की शक्ति पर भरोसा किया। तो भी इसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उसने आकाश में पुरवाई को चलाया और अपनी शक्ति से दक्षिणी बहाई और उनके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया था और समुन्द्र के बालू के समान अगणित पक्षी भेजे। मुझे याद है एक अफ्रीकी भाई देख रहे थे कि कैसे अमेरिकन लोगों के पास जो चाहे वो खाने का सिस्टम है, जबकि उन दिनों में बस $5 या $6 देने पर जो चाहे वो खा सकते थे और भरपेट खा सकते थे, जानते हैं। और इन दिनों में हमारे देश में भी यही है। 20, 25 या 30 साल पहले वो बहुत ही चकित हो गए थे, और वो चकित हो गए थे, आप सब कुछ खा सकते हैं, जितना चाहे उतना मनमाना खा सकते हैं, बस थोड़े पैसों से। उन्होंने कहा, ओ केवल अमेरिका में ही भाई। मैंने कहा, नहीं, परमेश्वर ने इसे किया बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, मनमाना खिलाया और विदेशी से ज्यादा उसने हमें मुफ्त में दिया। मन चाह मुफ्त में खा सकते हो, वही तो वह जिसने वो बीज रखा कि जो भी चाहे खाओ सिस्टम का जितना चाहो खाओ। और देखिए उसने किस तरह से प्रयोजन किया था उस जंगल में। ये कहता है उसने मानो मटन की बारिश की, मानो धूल के जैसे गिराया। ये नहीं कि बस एक पाव मटन दिया। हम यहां पर कुछ अलग ही कह रहे हैं, ये आधा चिकन नहीं, उसने बारिश की। इस शब्द की ओर देखिए, मटन को मानो धूल के जैसे बरसाया और आकाश के पक्षियों को समुन्द्र की रेत के जैसे बरसाया। मतलब उसने बस उन पर बारिश की जब तक कि वो पूरे भर न जाए, जब तक कि वो और ज्यादा नहीं खा सके। एक जगह पर हमें बताया गया है, जबकि वो उसने उन पर पक्षियों की बारिश की, एक जगह ये कहता है वो आए वहां पर रुक गए, जहां तक कि एक दिन की यात्रा थी उतनी दूरी तक वो भरे थे, यानी लगभग एक दिन की यात्रा, यानी 40 किलोमीटर हर तरफ से एक दिन की यात्रा पर। कल्पना करें कि 40 किलोमीटर हर तरफ से और 3 फीट गहरा। देखिए बाइबल ये कहती है, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये किसी किताब से मैंने नहीं पढ़ा, बाइबल इस तरह से कहती है कि ये 3 फीट गहरा और 40 किलोमीटर की दूरी तक लंबाई में। कल्पना करें कितना मटन होगा मतलब बस यही करना है कि जितना खा सकते हो उतना सब इकट्ठा करते जाओ। परमेश्वर ने मानो उन पर बारिश की कहता है, मतलब देखिए उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया। वो दिखाना चाहता था, वो बहुतायत, वो अद्भुत उमड़ने वाला, वो परमेश्वर का बहुतायत का प्रयोजन उनके लिए जंगल में ही, जहां खरीदने के लिए दुकान नहीं थी, जहां हवाई जहाज से नहीं भेज सकते थे और ना ही किसी ट्रेन में भरकर उसे भेज सकते थे, बिल्कुल नहीं। लेकिन परमेश्वर ने इसे दिया, होम डिलीवरी की, ऐसे भोजन की। अब इसे देखिए, उसने उनके खेमे में ये सब कुछ बरसाया, इसे होम डिलीवरी कहेंगे, उनके तंबुओं के पास में ही। तो उन्होंने खाया और पेट भर खाया और इस तरह से उनकी मनसा उसने पूरी की, उनकी कामना बनी ही रही। उनका भोजन उनके मुंह में ही था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उनके हष्टपुष्टों का घात किया और इसराइल के जवानों को गिरा दिया।
इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति न की। क्या यह अजीब नहीं? हम इसी तरह के अविश्वास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। परमेश्वर के बहुतायत के प्रयोजन का उन्होंने अनुभव किया और उन्होंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखा था, अद्भुत चमत्कारों को देखा, लेकिन फिर भी जीवन में बार 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 वचन 32 कहता है, इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति न की। इतना सब कुछ होने के बाद में विश्वास नहीं किया तो ये बस जिद करना है और यही अविश्वास है। ये अविश्वास का बुरा दिल है जो आपको दूर ही रखेगा वो पाने से जो परमेश्वर देना चाहता है। यह आपको उस भविष्य से दूर रखेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। यह आपको उस उज्जवल और महान भविष्य से दूर रखेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए निश्चित करके रखा है। अविश्वास इतनी गंभीर बात है। जानते हैं, शैतान कोई बड़ी समस्या नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि शैतान तो हारा हुआ है, वो बहुत छोटा है। अविश्वास बड़ी समस्या है। अविश्वास वो चीज है जो आपसे सब कुछ दूर करेगा। अविश्वास वो चीज है जो परमेश्वर की आशीषों को लूट लेता है। अगर आप परमेश्वर की आशीषों में नहीं चलते हैं मेरे दोस्तों, तो मैं आपको निश्चय बताऊं कि अविश्वास के चिन्हों में से एक चिन्ह है और इसलिए आप परमेश्वर की आशीषों में नहीं चलते हैं। परमेश्वर की आशीषों में चलना बहुत ही आसान है। बाइबल कहती है कि यदि तुम अपने प्रभु परमेश्वर की आवाज को सुनते हो और यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करते हो तो तुम आशीषित हो बाहर जाते समय भीतर आते समय। धन्य हो तुम नगर में और नगर के बाहर, और आप आशीषित हैं आपके हाथों के कामों में। परमेश्वर आपको ऐसी आशीष देगा कि आपके आसपास के सब लोग देखेंगे और आपसे भयभीत होंगे। आपके भेड़ की बढ़ोतरी आशीषित होगी, आपके कोख का फल आशीषित होगा, आपके खेत की उपज आशीषित होगी, सब कुछ आशीषित होगा। भला परमेश्वर आकाश के झरोखे खोल देगा और आपकी भूमि पर सही समय पर मेह बरसाएगा। आपको कमी नहीं होगी क्योंकि आप उधार नहीं लेंगे लेकिन बहुत से देशों को उधार देंगे। आप नीचे नहीं रहेंगे ऊपर रहेंगे। आप पूंछ नहीं होंगे लेकिन सिर होगे। कोई बड़ी शर्त नहीं है, बस यहां पर जो कुछ भी लिखा है उसके अनुसार आप बस करते चले जाएं। बस परमेश्वर की सुने और जो कुछ भी वो कहता है उसे करते चले जाएं। ठीक है, अब निकालें इसी अध्याय में 48वां वचन। उन्होंने कितनी बार वहां पर जंगल में उसे बहुत ही क्रोधित किया। उन्होंने पीछे जाकर परमेश्वर की परीक्षा की और इस इसराइल के पवित्र को उन्होंने सीमित कर दिया और उसके हाथों को स्मरण न किया। देखिए, यही तो समस्या है। और न उस दिन को जब उसने उन्हें शत्रुओं से छुड़ाया था। वो सारे दिन भूल गए, वो छुटकारे की सारी बातें, सब कुछ भूल गए। और उन्होंने जो किया, ये वचन 41 में बहुत अच्छे से बताया गया है। वो पीछे मुड़ गए और परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इसराइल के पवित्र को उन्होंने सीमित कर दिया। सबके इसराइल के पवित्र को सीमित किया। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर कोई सीमा निश्चित नहीं की है? कोई सीमा नहीं है कि हम कितनी दूरी तक जा सकते हैं। बाइबल ये कभी भी नहीं कहती है कि परमेश्वर ने तुम्हें हर महीने 20,000 की तनख्वाह दी और इससे ज्यादा नहीं। उन 20,000 से ही आपको हर महीने जीना होगा और फिर यीशु के आने की राह देखना, उसके बाद में स्वर्ग में आ जाना है जहां सोने की सड़कों पर चलोगे। नहीं कहता ये। हालांकि कुछ धार्मिक लोग ये कहते हैं, परमेश्वर ये नहीं कहता है। पहला मनुष्य जो परमेश्वर ने चुना, आदम के पतन के बाद उसने चुना अब्राहम। उसने उसे चुना और वो अपनी योजना, अपनी भलाई, अपने दिल की बातों को उस पर प्रकट करना चाहता था। उसके लिए अब्राहम से वो क्या चाहता था? अब्राहम के लिए क्या चाहता था? वो प्रकट करना चाहता था। और वो उसे ले जाता है, वो उसे एक जगह पर लेकर जाता है और कहता, अपनी आंखें उठाकर तू दूर तक देख। और जब उसने अपनी आंखें उठाकर देखा तो प्रभु ने नहीं कहा, तुम वहां पर वो नारियल का पेड़ देखते हो, वहां तक मैं तुम्हें देता हूं। नहीं, उसने नहीं कहा, तुम वहां पर देखो, मैंने वो सीमा रखी है, क्या देख सकते हो, उस लाइन तक सब कुछ तुम्हारा है मेरे बेटे। नहीं, उसने कहा, अपनी आंखें उठा और तू देख, जहां तक तेरी आंखें देख सकती है वो सब मैंने तुझे दे दिया है, जहां तक तुम देख सकते हो। मैं विश्वास करता हूं कि अब्राहम प्रतिदिन ऊंचे और ऊंचे जगह पर जाता था कि वो देख सके, निश्चित करना चाहता था कि वो और दूर तक देख सके। वो बुद्धिमान था, यहूदी व्यक्ति था वो वो ऊंची और ऊंची जगह पर गया होगा। मेरे प्रभु, मैं कुछ भी चूकना नहीं चाहता हूं, मैं तो बस जितना दूर हो सके देखना चाहता हूं। फिर उसने एक दिन कहा, जहां भी तू अपने पैर रखेगा वो जमीन मैं तुझे दे दूंगा। कोई सीमा नहीं, जहां भी तू अपने पैरों को रखेगा। यदि वो मुझसे ये कहता तो मैं सुबह से शाम तक चलते रहूंगा, मैं हर जगह अपने पैर को रखते चले जाऊंगा, क्योंकि जहां कहीं भी मैं अपने पैर को रखते जाऊंगा
वही उसने कहा है कि वो मुझे देगा। देखिए, परमेश्वर कोई सीमा निश्चित नहीं करता है कि हम कहां जा सकते हैं, कितनी दूरी तक जा सकते हैं और हम क्या पा सकते हैं और जीवन में क्या हो सकते हैं। कोई सीमा नहीं है। अब एक पुराने प्रचारक ने मुझसे कहा था, उन्होंने कहा, जवान तुम्हें समझना होगा। और आप जानते हैं ये सामान्य लोग, बूढ़े लोगों के पास बुद्धि होती, तो मैंने सोचा ठीक है, ओ मैं सुनता हूं। उन्होंने कहा, तुम्हें एक बात समझनी होगी, जिस तरह से परमेश्वर ने कुत्ते की दुम नाप कर रखी है, उसने नाप कर रखा है कि हर एक मनुष्य कितनी दूरी तक जाएगा। हर एक के लिए परमेश्वर ने उनकी संपन्नता नाप कर रखी है, सफलता नाप कर रखी है, और पहले से ही उसके अलौकिक योजना में उसने उसका नाप रखा है। मैंने कहा, आप व्यस्क प्रचारक हैं, आपने कुत्तों के बारे में जो कहा है बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं कुत्ता नहीं हूं। कुत्तों के बारे में वो बाइबल की सच्चाई है, लेकिन मेरे बारे में नहीं, क्योंकि मेरे बारे में बाइबल की सच्चाई ये है कि मैं परमेश्वर के स्वरूप असमानता में बनाया गया हूं। मैं मनुष्य हूं जो परमेश्वर के स्वरूप असमानता में बनाया गया। मैं परमेश्वर के जैसे हूं, और यदि मैं परमेश्वर जैसे हूं तो परमेश्वर असीमित है, क्योंकि वो असीमित है और उसने मुझे बनाया है कि मैं भी असीमित होकर जीवन जीऊं। उसने मुझे विश्वास से जीने के लिए बनाया, वो विश्वास का प्रभु है, उसने मुझे विश्वास का मनुष्य बनाया है और उसने सारी सीमाओं को दूर कर दिया है। उसने कहा, जहां तक मैं देख सकता हूं मैं वहां पर जाऊंगा। उसने कहा, जहां भी तू अपने पैर रखेगा वो जमीन मैं तुझे दे देता हूं। और नए नियम में उसने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ में हो। उसके विश्वास के अनुसार नहीं, आपके विश्वास के अनुसार। क्या आप विश्वास करते हैं तो वैसे ही होगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह संभव है। देखिए, परमेश्वर ने कभी किसी के ऊपर में कोई भी सीमा निश्चित नहीं की है। अपने मन में आप सीमा निश्चित ना करें दोस्तों, अपनी सीमा निश्चित ना करें। लोग हमेशा कहते हैं हर चीज के लिए कोई ना कोई सीमा तो होगी। नहीं, मैं सहमत नहीं। प्रभु के अनुग्रह के लिए कोई सीमा नहीं है, प्रभु के आशीष के लिए कोई सीमा नहीं है, प्रभु मुझे कहां ले जा सकता है इसके लिए कोई सीमा नहीं है, प्रभु मेरे द्वारा क्या कर सकता है उसके लिए कोई सीमा नहीं। कोई सीमा नहीं है कि यीशु मेरे द्वारा क्या कर सकता है इस संसार में। यदि यीशु मुझ में जीता है और मैं अपना जीवन उसमें जीता हूं, तो कोई सीमा नहीं है जो यीशु कर सकता है आपके और मेरे द्वारा। आप मुझसे कोई अलग नहीं है, कोई सीमा नहीं। सब लोग कहे कोई सीमा नहीं। क्या आप विश्वास करते हैं? ये कहता है, उन्होंने इसराइल के पवित्र को सीमित किया, बस एक ही सीमा है। और जानते हैं वो सीमा क्या है? आपका विश्वास वो सीमा है। अविश्वास प्रभु को सीमित करता है। जब आप विश्वास से इनकार करते, चाहे परमेश्वर ने महान चीजों की योजना बनाई है, प्रभु ने दूध और मधु का देश रखा था, ये बहता था, उनकी राह देख रहा था, उन्होंने प्रभु को सीमित किया, परमेश्वर उन्हें ले जा सकता था, सब कुछ उनके लिए सुंदर तरीके से पूरा हो सकता था, वो उस देश में जा सकते थे और वहां पर जी सकते थे, सब कुछ उनके लिए तैयार था, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। हेलो, क्या आप यहां हैं? उन्होंने सीमित किया। मैं बताऊं दोस्तों, प्रभु को सीमित न करें, क्योंकि प्रभु उसके पास आपके लिए भी दूध और मधु के देश से कम कुछ नहीं है। ये दूध और मधु का देश क्या है? ये तो सारी आशीषें हैं यीशु मसीह में और उसके द्वारा। सब कुछ आपको इसी में जीना होगा, आपको इसमें चलना होगा, इसका उपयोग करना होगा। आपको इसकी विरासत पानी है, आपकी विरासत बहुत महान है, आपको इसे लेना होगा। प्रभु यही तो चाहता है। और फिर कभी भी अविश्वास आपके दिल में ना आए और उस इसराइल के पवित्र को सीमित न करे। मेरे साथ निकाले भजन 106। ये एक और भजन है जिसे हम देखेंगे। यहां ये कहानी दी गई है बहुत से शब्दों में। वचन 7, 106 वचन 7। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया और न उन्होंने तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने स्मरण नहीं रखा, यही तो समस्या है। तेरी अपार करुणा को स्मरण न रखा। अपार केवल एक या दो नहीं, परमेश्वर की अपार करुणा को याद नहीं रखा गया। उन्होंने समुन्द्र के किनारे अर्थात लाल समुन्द्र के किनारे बलवा किया। ये पहली परीक्षा थी। लाल समुन्द्र पर पीछे देखा था और कुड़कुड़ाए और कहा, तू हमें मरने के लिए लाया है, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया। देखिए, कई बार उनमें विश्वास नहीं होता, लेकिन प्रभु उद्धार देता अपने नाम के निमित्त। जानते हैं, जिससे वो अपने पराक्रम को प्रकट कर सके। तब उसने लाल समुद्र को धुड़का और वो सूख गया। वो उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया।
और शत्रु के हाथ से उन्हें छुड़ा लिया और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उसके वचन पर विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। जानते लाल समुद्र पार किया था, क्या उन्होंने गाया? हाँ, उन्होंने गाया। वो डफ बजा रहे थे, उन्होंने गाया। और अगले वचन को सुनिए, पर वे झट उसके कामों को भूल गए। अगली लाइन देखिए, उन्होंने गाया लेकिन वो प्रभु के कामों को भूल गए और वो उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्तन में परमेश्वर की परीक्षा की थी। देखिए वचन 21 इसी अध्याय में, वो अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गए जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए थे। उसने तुहाम के देश में आश्चर्य कर्म किए, लाल समुद्र के तट पर भयानक काम किए थे, वो सब कुछ भूल गए। देखिए, यही तो बात है जो आज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, भूल जाना। प्रभु ने जो किया, क्या आप भूल गए हैं? भजन संहिता 103 इस तरह से कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकारों को न भूलना। सब लोग अपने बगल वाले की ओर मुड़कर कहें, उसके उपकारों को न भूलना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, बात तो ये है कि हम कहते हैं जैसे हमारे पास कोई समय नहीं है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके उपकारों को न भूलना। जल्दबाजी में होते हैं क्योंकि हम नहीं समझते कि ये किसके बारे में है। ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए, भजनकार ऐसे कहता है, जब तक आप उसके उपकारों को नहीं भूलते हैं तब तक आपके लिए आशा है दोस्तों। क्योंकि शायद आपको समस्या हो, मुश्किलें हो, शायद आपके सामने लाल समुंदर हो और आपके पीछे में फिरौन की सेना हो, शायद आप फंस चुके हो, मुश्किल में हो, पूरी तरह से असंभव ऐसी परिस्थिति में फंसे हो, लेकिन वो सारी चीजें आपको नहीं डुबाएगी, वो आपको खत्म नहीं कर पाएगी। क्योंकि ये सारी चीजें तो केवल मौका है कि परमेश्वर आपको उसमें से निकाले, कि परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को दिखा सके, प्रभु अपने प्रेम को दिखाएं। ये सारी चीजें तो परमेश्वर के चमत्कार करने के लिए बस एक मौका है। कितने लोग चमत्कार चाहते हैं? अगर चमत्कार पाना चाहते हैं तो सबसे पहले असंभव परिस्थिति होनी चाहिए। हेलो, ये कोई नहीं चाहता है। ओ, मैं चमत्कार पाना चाहता, लेकिन कोई असंभव परिस्थिति का सामना नहीं चाहता। इसलिए प्रभु ने लाल समुद्र के पास लाता है। क्या उसे ये सब कुछ पता नहीं था और ये सेना उनका पीछा कर रही थी? हाँ, वो जानता था, लेकिन फिर भी उन्हें वहां पर लाया क्योंकि वो चाहता था कि वो तो असंभवता की ऐसी जगह पर पहुंच जाए कि वो उनके लिए ये सब कुछ संभव कर सके। वो उन्हें मारा के पास में लाया जहां पानी कड़वा था, और यदि वो एक गिलास पानी नहीं पीते तो अगले ही पल मर जाते थे। प्रभु उन्हें यहां पर असंभव परिस्थिति में लाया कि वो ऊपर देखे और प्रभु पर विश्वास करे, ताकि वहां पर असंभव परिस्थिति के बीच में वहां पर उच्च चमत्कार कर सके। जब आप बिल्कुल फंस जाते हैं, मुश्किल में होते हैं, जब मानो आपके सामने सड़क पूरी तरह से खत्म होती है, ऊपर देखें, आपका चमत्कार बहुत ही निकट है। परमेश्वर को न कोसे, अपने जीवन को न कोसे, आप नकारात्मक न कहे, आशा न खोए, आप ऐसे शब्द न कहें जो कि शिकायत करने के शब्द हो। ऊपर देखिए, क्योंकि परमेश्वर के पास उत्तर है, प्रभु के पास उत्तर है। यही समस्या है, वो भूल गए थे। देखिए, अब इसे सुनिए, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकारों को न भूलना। यहीं पर सब लोग रुक जाते हैं। मेरी दादी ने कई साल तक मुझे वचन 5 कहने लगाया, तो मैंने इसे कहा, हजारों बार कहा, हर सुबह मैंने इसे कहा, सुबह की प्रार्थना में, शाम की प्रार्थना में, हमेशा हम इन वचनों को, 5 वचनों को याद करके कहते थे। कितनी तो भी बार मैंने इसे कहा, और उन दिनों में मुझे इसका महत्व नहीं जानता था, कुछ भी हो मैं इसे कहता था, लेकिन अब मैं बाकी सबसे बढ़कर इन वचनों की सराहना करता हूं, क्योंकि अब मेरे लिए अर्थ रखता है। उसके उपकारों को न भूलना। हाँ, उसके सभी उपकारों को न भूलना, एक को भी नहीं भूलना। क्या आपने प्रभु से कुछ लाभ प्राप्त किया है? क्या उसने आपके लिए कभी कुछ किया है? कोई ये कहता है, भाई मेरी नौकरी चली गई, जानते हैं, देखिए यही तो समस्या है बस। हाँ, लेकिन प्रभु ने आपको ये नौकरी दी थी पिछली बार, तो क्या वो आपको नौकरी नहीं देगा? हाँ, शायद आप उस नौकरी में बहुत ही संतुष्ट थे और वहां पर आराम से थे, इसलिए प्रभु ने आपको असंभव परिस्थिति में लाया है ताकि वो आपको और ऊंचाई पर लेकर जा सके, दूध और मधु के देश की ओर। कई बार नौकरी चले जाना आशीष होती है, तभी आप सोचने लगते हैं। तब तक आप काम करने जाते हैं, वापस आते हैं, बस एक बैल के समान होते हैं, कभी नहीं सोचते, बस जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, कभी नहीं सोचते हैं। हर दिन रूटीन होता है, आप सोचते भी नहीं है। फिर जब नौकरी चली जाती है तो आप सोचते हैं, क्या सच में परमेश्वर है यहाँ?
वो तो वहां पर हमेशा था और आपने नहीं सोचा, प्रोत्साहित करने के लिए। जानते हैं, जीवन में बहुत ही अच्छे जंक्शंस होते हैं। यही समय होता है कि हम सच में विश्वास से चलते जाएं और परमेश्वर के चमत्कार करने वाली सामर्थ को आप अपने जीवन में देखें। आमेन। You must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Now you must run this race to win the victor's crown. Though Satan try with all his might to cast you down, it will be worth it just to hear God say, well done. Press toward the prize that's on the other side of faith. Keep pressing on. Said on, God's on the other side of faith, and though the clouds may for a moment hide his face, remember God is on the other side of faith. Keep pressing on, keep pressing on. Keep pressing on, God's on the other side of faith, and though the clouds may fall.